कल हम आप लोग क्या बताए थे कि हम लोग आपको एनालिसिस सिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें दो आता था, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक, इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। ठीक है, जिसमें हम आपको कल एनालिसिस ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट बताए थे पूरा अच्छे से, 1 2 3 4 समरी कर दिए थे। ठीक है, तो आज क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे प्रियंका? प्रियंका प्रिया क्या इनकम सिखाएंगे? स्टेटमेंट। हाँ, क्या सिखाएंगे? इनकम स्टेटमेंट, जी एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, इसका शुरुआत होता है सेल्स से। ये बहुत जगह काम आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाला है। इसका शुरुआत होता है सेल्स से। सेल सबसे पहला लिख लेंगे। इसमें से दो चीज माइनस होता है, सबसे सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। एक बार ध्यान दीजिए, सेल्स में से क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। बीच बीच में हाँ करते रहिएगा, नॉर्मल ही है ना, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आता है। प्रज्ञा, यस सर। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से दो भागों में बताते हैं, कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप लोग जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कोई बताइए। सर जो जिसका फिक्स्ड नहीं होता रहता है। जैसे एग्जांपल, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल एक वेरिएबल होता है, एक फिक्स्ड होता है। किसी का एग्जाम्पल दीजिए आप। रेंट किस तरह का है, वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड फिक्स्ड है, एकदम सही। रेंट फिक्स्ड है। सैलरी सैलरी फिक्स्ड फिक्स्ड है। रॉ मटेरियल वेरिएबल है। वेरिएबल है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरिएबल। ठीक है, आप अगर ट्यूशंस पढ़ते हैं, ठीक है, ट्यूशंस पढ़ने के लिए आप अगर सीए गुरुकुल आते हैं, ठीक है, रोज आप ऑटो से आते हैं, ठीक है, ऑटो का भाड़ा 10 रुपया लगता है, ठीक, और सीए गुरुकुल का फी 800 पर मंथ है। तो आपका एक महीने में कितना एक्सपेंस, कौन सा दो एक्सपेंस हो रहा है ना, एक ट्यूशन फी लग रहा है, एक ऑटो फेयर लग रहा है। ठीक है, तो ट्यूशन फी कैसा एक्सपेंसेस है? फिक्स्ड फिक्स्ड है। फी। और ऑटो फेयर वेरिएबल है। वेरिएबल है। कॉन्सेप्ट एकदम सही है, लेकिन क्या क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? सर मतलब समझा नहीं पाएंगे। देखिए, हाँ सही बात है, लेकिन लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे सीए गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आप क्लास से ले लीजिए, यहाँ पर जो हमारा क्लास ले लीजिए। अब सब 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 सुन पा रहे हैं प्रियंका प्रिया? यस सर। चलिए, सपोज कीजिए सीए गुरुकुल में क्लास चला रहे हैं, तो क्लास ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए क्लास चल रहा है। अब क्लास कितना भी चले, नहीं समझे, एक दिन से लेकर के 30 दिन तक क्लास चले, लेकिन आपका फी कितना लगेगा? 800 ही लगेगा, मतलब फिक्स्ड है। ये क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लास एक दिन चला, 4 दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक,
कहने का मतलब इसका जो नेचर होता है, ध्यान दीजिए, इसको अगर ग्राफ पे लिया जाएगा तो सपोज कीजिए 0 दिन हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, इस तरह करते करते 30 तक। और यहाँ पे हम अगर कॉस्ट ले लें, नहीं 500, 1000, 1500, तो क्या होगा, यहाँ पर 800 रुपया यहाँ पे आता है। तो आप एक दिन पढ़िए फिर भी 800 रुपया लगेगा, 2 दिन फिर भी 800, 4 दिन फिर भी 800, 30 दिन फिर भी 800। समझ पा रहे, ऐसा ग्राफ क्या होता है, फिक्स होता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, फिक्स है। आप क्लास 1 दिन आइए या 0 दिन आइए, हम पैसा पूरा लेंगे। समझ पा रहे हैं, Yes, sir. क्लास पे डिपेंड नहीं करता है ये। आप एडमिशन लिए हुए हैं, क्लास आइए चाहे नहीं आइए, आप 0 दिन आइए फिर भी, 1 दिन आइए फिर भी 800 लगेगा, 2 दिन आइए फिर भी 800 लगेगा। तो ये आपका जो एक्सपेंस हुआ फिक्स नेचर का हो गया, जो आपके क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फिक्स है 0 से लेकर 30, फिर भी आपको 800 रुपया लगा। लेकिन ऑटो फेयर क्या है, ऑटो फेयर का ऐसा हो गया 1 दिन का 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ, सेम ग्राफ को ले लिए, सब कुछ कीजिए, यहाँ पे ग्राफ हो गया 500, 1000, 1500, 2000। अब 1 दिन आप आएंगे तो कितना, 10 रुपया लगेगा नॉमिनल, समझिए यहाँ पे ग्राफ। नहीं, अगर 5 दिन आएंगे तो कितना लगेगा, 5, 50 रुपया लगेगा यहाँ लगेगा, और 30 दिन आएंगे तो 300 रुपया यहाँ पे आएगा ना, गलत की सही। Yes, sir. इसको 50 में ले तो ज्यादा समझ में आता, 50 ले लीजिए 100, क्योंकि ज्यादा कम है ना, 50, 100, 150 और 200। तो अगर मान लीजिए कि 5 दिन आते तो कितना लगता, 50, ये ग्राफ को टच करता, 30 दिन आएंगे तो कितना का लगेगा, 300, मतलब यहाँ चला जाएगा। एक मिनट, ढाई सौ, 300, तो 30 दिन आएगा 300 को छू देगा, यहाँ छू देगा, करने का इसका ग्राफ ऐसे भागेगा भागेगा। सबको समझ में आ रहा है, फिर से देखिए, 0 दिन तो 0 रुपया लगेगा, 1 दिन क्लास करने नहीं आई तो ऑटो फेयर कितना लगेगा, सब दिव्या जीरो जीरो। अगर 5 दिन आएंगे तो 50। एक ग्राफ थोड़ा सही नहीं हुआ, मतलब ऐसे जब वो ज्यादा इधर हो गया, करने का मतलब 50, एक ग्राफ सही नहीं बना, ऐसे भाग गया ग्राफ, ऐसे भागता। और 30 दिन आएंगे तो 300 रुपया, तो करने का मतलब ये ग्राफ बढ़ते चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। तो करने का मतलब ये पूरा क्लास पे डिपेंड करता है, वेरिएबल, अगर 0 दिन आए तो 0 लगा, 30 दिन आए 300 रुपया, और 10 दिन आए तो 100 रुपया। समझ पा रहे हैं, तो वेरिएबल है ये, मतलब ये आपके क्लास पे डिपेंड करता है, और ये आपका जो ट्यूशन फी है क्लास पे डिपेंड नहीं करता है, सिंपल है। बिजनेस में ये क्या डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, बिजनेस में डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन पे। तो कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट पे डिपेंड करते हैं, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन कितना भी हो वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब आपका एक फैक्ट्री है, सब ध्यान से सुनिएगा, आपका एक फैक्ट्री, ये सब जगह कॉन्सेप्ट आएगा, बार बार नहीं बताएंगे, बोलेंगे लेक्चर सेकंड देख लीजिए। तो आपका एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप सपोज कीजिए एक मार्कर बनाने का बिजनेस करते हैं, तो वहां पे स्टाफ लोग है, रेंट लगता होगा, नहीं लगता होगा रेंट, yes, sir. रेंट लगेगा, सैलरी लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, रॉ मेटेरियल आएगा वो लगेगा, नहीं बिजली बिल लगेगा, बहुत सारा खर्चा होगा। तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आप प्रोडक्शन कीजिए या नहीं कीजिए वो लगेगा ही लगेगा, इसका मतलब उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और कुछ कॉस्ट ऐसा होता है जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उतना लगेगा, तो उसको एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे, आपका जो फैक्ट्री है, आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है, आप उसमें किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, पेन का, किस चीज का, पेन का, इसमें आपका रॉ मटेरियल लगता है, सपोज कीजिए 3 तरह का रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, ठीक है। एक पेन बनाने में रॉ मटेरियल ए का लगता है 10 ग्राम, बी का लगता है 5 ग्राम, और सी का लगता है सपोज कीजिए 20 ग्राम, ऐसे ही होता होगा ना कुछ, एज्यूम समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत,
नौ चलिए, और जब ए का 10 ग्राम खरीदने जाते हैं तो ये 1 रुपया पर ग्राम है, इसका रेट 2 रुपया पर ग्राम है, और इसका रेट 50 पैसा पर ग्राम है, कुछ ऐसा ही होता होगा। सपोज कीजिए ना, प्लास्टिक है, कलर है, और क्या बोलता है, कुछ है, स्टील है, गलत पेन में जो यूज होता है मटेरियल, ए बी सी लिए हैं, तो एक पेन बनाने में कितना लगेगा, ए का 10 रुपया लगेगा, बी मटेरियल का 10 रुपया लगेगा, और सी का कितना लगेगा, 10 रुपये। तो एक पेन बनाने का आपका कॉस्ट कितना गया, 30 रुपये। 30 रुपीज। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब ध्यान दीजिए, 30 रुपीज। अब उसका फैक्ट्री में रेंट भी लग रहा होगा, सपोज कीजिए रेंट लगता है 10,000 का पर मंथ, ठीक है, सैलरी लगता है उसका 5,000 का पर मंथ, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं ले रहे, कंफ्यूजन करते का दो ही लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला बात यहाँ पे हमने मेरे एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को हम बहुत चैप्टर में कंसिडर करेंगे। मेरा एक फैक्ट्री है, हम क्या प्रोडक्शन करते हैं, पेन। पेन बनाने में 3 मटेरियल लगता है, ए बी सी, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम। 10 ए का जो खरीदते हैं मटेरियल, 1 रुपया ग्राम मिलता है मार्केट में, बी का 2 रुपया ग्राम मिलता है, सी का 50 पैसे प्रति ग्राम मिलता है, तो ए का 10 रुपया लगेगा, बी मटेरियल 10 रुपया का लगेगा, सी मटेरियल 10 रुपया का, टोटल 30 रुपया का लगेगा। और हम फैक्ट्री का रेंट देते हैं 10,000, उसमें जो इम्प्लाई है उसको देते हैं 5,000, और हम मार्कर बनवाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या लगा आपको कि ये कौन सा कॉस्ट था, रॉ मेटेरियल कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है, कारण क्या है इसको समझिए, कारण क्या है, सपोज कीजिए ग्राफ पे ऐसे रखते हैं हम, 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ 50, 100, 150, 4 तिया 12, 1200 हो जाएगा, नहीं 4 तिया 1200 हो जाएगा, तो 400, 800, 1200, ग्राफ लेने आता है ना, एक एज्यूम फिगर लेते हैं। चलिए तो अब जीरो मार्कर बनाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, जीरो लगेगा ना, जीरो। यस सर। 10 बनाएंगे तो कितना लगेगा, 300। 300, तो लगभग ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है 300। 20 बनाएंगे तो 900, 600, 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 600
हो? 900 900 लगभग यहाँ पे ग्राफ आ रहा है। 40 बनाएंगे तो 1200 इसके सामने में ही आ गया, लगभग 1200 टच कर दिया। इसका ग्राफ इस तरह से टच कर रहा है, देख रहे हैं आप, मतलब ये बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जो ये क्या होगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसका मतलब वेरिएबल है, और प्रोडक्शन जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपका क्या क्या होगा, कॉस्ट भी आपका कम होगा, घटेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, द कॉस्ट विच इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द प्रोडक्शन यूनिट। ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से घटता या बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? चलिए, और ये दोनों जो एग्जांपल हमने लिया, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका फिक्स्ड कॉस्ट का। इसका एग्जांपल अगर ग्राफ पे लिया जाए, जीरो इसमें आप कितना लिए थे, 10, 20, 30, 40 5,000, 10,000, 15,000 चलिए जीरो मार्कर बनाएंगे तो कितना लगेगा रेंट, पहले रेंट क्या बताते हैं, 10,000 नहीं नहीं हाँ रेंट जैसा लगेगा ना, और अगर 10 बनाएंगे तो 10,000 फिर भी 10,000 40 बनाएंगे तो 10,000 आकाश 20 बनाएंगे कितना लगेगा, 10,000 इसका मतलब है कि लाइन सीधा सीधी रेखा में जाता है, नहीं इसका तो फिक्स है।
कि प्रोडक्शन कितना भी करें आपका 10,000 लगेगा, उसी प्रकार अगर हम सैलरी का ले लें तो क्या होगा? प्रियंका चौधरी आप बोलिए, अगर 0 मार्क 0 बनाएंगे कितना कितना लगेगा सैलरी? प्रियंका चौधरी 5,000। 5,000। 20 बनाएंगे तो 20 बनाएंगे तो भी 5,000। और 40 बनाएंगे तो नहीं, ये 40 दिन का 5,000। 40 दिन नहीं, 40 पेन। तो देख रहे हैं ये भी फिक्स रहेगा नहीं, 40 पेन। तो हम ऐसा नेचर देखते हैं, मतलब अच्छा, ये पेन है ना, ये प्रोडक्शन यूनिट है ये। इसमें क्या देखे हैं आप, प्रोडक्शन कितना भी घटा बढ़ा रहे हैं आपका कॉस्ट क्या है फिक्स्ड है, समझ पा रहे हैं? यहाँ तक किसी को डाउट कोई? नो सर। तो कोई पूछेगा कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन सबका एक बीच वाला होता है नहीं? चलिए तो एक एक तरह का और होता है, टोटल कॉस्ट 3 टाइप के होते हैं। एक बुरे जिसमें दोनों नेचर पाया जाता है, हर एक जगह ये कॉन्सेप्ट आता है। कॉस्ट 3 तरह के होते हैं, एक हमने क्या बताया, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक बताया वेरिएबल कॉस्ट। आप चल जाइए ऊपर, चल जाइए वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। एक होता है ये दोनों का मिक्स, नहीं दोनों मान लीजिए, एक दोनों का होता है मिक्स, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। लेकिन जब सेमी वेरिएबल रहेगा फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से अलग करना पड़ेगा वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है। तो लास्टली हम एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो ही कॉस्ट मानेंगे, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल क्या होता है, क्या लगता है आपको, कोई बता हिंट करेंगे सेमी वेरिएबल क्या होता है? जैसे इसका दो एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक टेलीफोन बिल। माइक बंद कर लीजिए, जब तक नहीं बोलना है माइक बंद कर लीजिए। टेलीफोन बिल, इसका क्या खासियत होता है ध्यान दीजिएगा, इसका नेचर क्या होता है ना, एक एक सर्टेन यूनिट तक ये फिक्स्ड रहता है। कहने का देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप रही है, आप यूज अभी हम जैसे सीए गुरुकुल यूज करने नहीं रहे हैं, फिर भी उसका लगभग लगभग 800 से लेकर के 800 रुपया मंथली आ ही रहा है, नहीं समझे? और टेलीफोन बिल भी लैंडलाइन लगाइएगा ना, तो उसका एक मिनिमम 200 होता ही है। वो 800 में क्या होता है ना, कुछ यूनिट्स फ्री रहता है, कुछ यूनिट्स फ्री रहता है। सपोज कीजिए कि टेलीफोन 200 में आपको 200 कॉल फ्री है, 800 में आपको 80 यूनिट फ्री है, सपोज कीजिए, तो क्या रहेगा, 80 यूनिट तक और 200 तक ये क्या है, फिक्स्ड है। मतलब 0 से लेकर के आप 80 ले रहे हैं और 200 ले रहे हैं, तो यहां तक कॉस्ट क्या रहेगा आपका, फिक्स्ड रहेगा, ठीक। अगर आप यहां तक यूज किए, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 80 यूनिट तक यूज किए तो 800 आएगा, टेलीफोन बिल अगर 200 तक यूज किए तो क्या आएगा आपका, 200 आएगा। लेकिन जैसे इसका कंजम्पशन यहाँ लेवल से क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका नेचर किस तरह का हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। उसका नेचर क्या हो जाएगा, वेरिएबल, यहाँ से वैसे भागेगा। यहाँ तक प्रोडक्शन आप 0 कीजिए, 200 कीजिए, आपका 200 ही लगने वाला है। लेकिन जहां यहाँ से वो प्रोडक्शन भागेगा तो ये भी भागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मिनिमम लिमिट था वो क्रॉस कर गया। तो इसमें कैसा नेचर देखे हम, कुछ नेचर फिक्स्ड का भी है और कुछ नेचर वेरिएबल का भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेमी वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रियंका? प्रिया समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। मतलब सेमी वेरिएबल क्या बना है, वो कुछ कुछ लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक फिक्स्ड रहता है, उसके बाद वेरिएबल हो जाता। एग्जांपल समझ में आया, बिजली बिल आप घर छोड़ के भी जाइएगा ना तो देखिएगा एक बिल आएगा, ऐसा नहीं है कि उसको आप कुछ यूज नहीं किया, महीना दिन लाइट बंद रहा तो बिल नहीं आएगा, एक फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है, वो लेता ही रहता है डिपार्टमेंट, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. उस लेवल तक वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। मोबाइल बिल भी जो आप पोस्टपेड लेते हैं उसमें देखिए एक लिमिट रहता है, नहीं इतना आपको लगेगा, प्लान इतना का लीजिएगा, वो प्लान फिक्स रहेगा, उतना में इतना फ्री रहेगा, उसके बाद अगर कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा।
क्लियर है किसी को डाउट? तो लास्ट में क्या होगा, जब आपको चैप्टर बताएंगे तो वहां पे जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा तो हम इसको कहीं यूज नहीं करते, इसमें से छांटते हैं कि फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में दो ही कॉस्ट आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो हम लोग कहां तक बता दिए थे आपको, हम लोग सीखेंगे एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें बताए थे क्या होता है सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है, लेकिन हम लोग क्या बोले कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए, तो फिर से हम शुरू करते हैं फ्रेश से। एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, चलिए कहां शुरुआत करते हैं इसका, सेल से, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं, लेकिन हमने क्या बोला कॉस्ट दो प्रकार का लेते हैं हम, ठीक है, पहला लेंगे सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, अब फीलिंग आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आएगा इसमें हम माइनस क्या करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो आएगा ये आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट। अच्छा लेक्चर तो लंबा होगा, ठीक है, ये आएगा प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिए, तो प्रॉफिट जो आएगा तो इसके पहले हमारा एक दो नाम आया, इसका नया नया नाम आएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है किसी को याद है, पहले पढ़े हैं आप लोग, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और ये जो प्रॉफिट है सबसे खतरनाक वर्ड्स है, इस प्रॉफिट को हम बहुत नामों से जानते हैं, एक्चुअली ये आपका रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉफिट को, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलेंगे या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अभी हमने जो कमाया है ना इंटरेस्ट भरा है ना टैक्स भरा है, कुछ भी नहीं भरा है, सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशन से इतना कमाया है, एक तरह से बोल सकते हैं बिजनेस का ऑपरेशन पार्ट ये हो गया, ये क्या हो गया बिजनेस का ऑपरेशन पार्ट, बिजनेस के ऑपरेशन से इतना जनरेट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पार्ट, ऑपरेटिंग पार्ट। अब यहां से फाइनेंसिंग पार्ट शुरू होगा, मतलब बिजनेस इतना कमा के दिया, अब हम लोग बोलते हैं पैसा हम लोग कहां कहां से लेकर के आए, तो इसको हम लोग का जो फ्रेश नाम होगा क्या नाम होगा इसका, ईबीआईटी। प्रॉफिट का हम लोग किस नाम से जानेंगे, सबसे सॉलिड नाम जानेंगे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बिजनेस में पैसा कौन कौन लगाता है, उसके लिए हम एग्जांपल दिए थे, बिजनेस में पैसा कौन कौन लगाता है, तो उसमें पैसा लगाने वाला तीन लोग है, मतलब फाइनेंस कौन कौन लगाता है, कौन कौन लगाता है प्रज्ञा, क्रेडिटर्स, कौन कौन, सर इक्विटी शेयर होल्डर, बिल्कुल, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नहीं उसको हम लोग बोल सकते हैं डेट, डिवेंचर, डेट मतलब कोई भी, उसमें सब कुछ आ गया, मतलब डेट बोल सकते हैं कर्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवेंचर, नहीं बड़े शब्द में डिवेंचर, मतलब सब तरह का कर्ज इसमें आ गया, डिवेंचर बोलना भी सही नहीं है, डेट, डिवेंचर होल्डर्स बोल सकते हैं इसको हम, क्रेडिटर भी सही है, आपका गलत नहीं है, सही है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, तो बिजनेस में तीन लोग पैसा लगाते हैं, यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दिए थे
हम इसका एग्जाम्पल दिए थे कि ये तीन लोग होते हैं ना, तो घर में भी ऐसे तीन लोग होते हैं, जिसमें हम जब एग्जाम्पल में आपको शायद बताए होंगे, याद आ रहा है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं घर में ये किसके तरह होते हैं, माँ पापा की तरह होते हैं, याद आ रहा है कभी? ये किसके तरह होते हैं? माँ पापा की तरह होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू घर में किसकी तरह होता है? माँ पापा की तरह होता है। प्रिफरेंस शेयर होल्डर का वैल्यू किसकी तरह होता है, याद आ रहा है कुछ? किसके तरह? दादा दादी। नहीं, तो इसका मतलब लेक्चर नहीं किए, इसका वैल्यू होता है सास ससुर की तरह। ये बताएंगे रिलेट करके कैसे, सास दादा जी। सर ये याद है, रसगुल्ला वाला सर। हाँ रसगुल्ला वाला, सास ससुर की तरह होता है। और ये जो डेट होता है, ये होता है पड़ोसी की तरह। इसका नेचर किसके तरह होता है? पड़ोसी की तरह होता है। तुम एग्जाम्पल पूछे थे, घर में आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, घर में जब आप पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो सबसे पहला, जो अगर रसगुल्ला आया है या नाश्ता का प्लेट आया है, सबसे पहले किसको मिलेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? पड़ोसी को। पड़ोसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पड़ोसी को देंगे, क्यों? पूरा आउटसाइडर, अगर नहीं देंगे तो ये बेइज्जत कर देगा। क्लियर है? अगर नहीं देंगे तो ये बेइज्जत कर देगा, औकात से तो बुलाए क्यों आप, गलत की सही? तो और इसको क्या होगा ना, अगर नहीं भी हुआ है ना, तो हम कहीं मार्केट से ला करके इसको हम रसगुल्ला पूरा करेंगे, नहीं तो ये बेइज्जत कर देगा पक्का। करते हैं ऐसा, देखते बाहर परेशान होकर लगा लो जाता है और लेकर के आता है और देता है। इसका नेचर है, इसको चाहिए तो चाहिए दो रसगुल्ला, इसको चाहिए तो चाहिए, इसको दो दो का रसगुल्ला चाहिए तो चाहिए पक्का। अब पड़ोसी को देने के बाद अगर जो बचता है तो किसके तरफ बढ़ेंगे फिर? सास ससुर की तरफ। सास ससुर की तरफ, इसको भी दो दो देंगे? नहीं, प्रेफरेंस है। क्या हो गया, कुछ बोले प्रियंका चौधरी कुछ आप? प्रेफरेंस शेयर बोली। हाँ प्रेफरेंस शेयर, अच्छा ठीक, प्रेफरेंस शेयर सास ससुर। हाँ बिल्कुल, तो हम लोग दो दो इसको देंगे, तो ध्यान दीजिएगा उसके पहले अगर ये देंगे ना तो बेइज्जती हो जाएगा। तो सास ससुर खासियत क्या होता है, अगर उसको मिला तो पहले उसको देंगे, प्रीफेंस देंगे उसको, अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं देंगे, फिर भी ये कुछ नहीं बोलेगा, ये मालिक का लक्षण है। तो कुछ लक्षण मालिक का है ये वाला, नहीं भी देंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बच गया तो ये दो दो बोलेगा, समझ पा रहे हैं? लेकिन माँ पापा क्या है, सबसे लास्ट में माँ पापा को मिलता है, नहीं मिला तो नहीं मिला पक्का, याद आ रहा है? नहीं मिला तो नहीं मिला। और मान लीजिए कि दो को बचा तो पापा लोग एक एक को लेंगे, अगर दो चार को बचा दो दो को लेंगे, अगर सौ को बचा तो पचास 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 पचास। तो ये पूरा मालिक का लक्षण ऐसा होता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा नेचर होता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का नेचर ऐसा होता है, और डेट डिवेंचर होल्डर का नेचर ऐसा होता है। तो बिजनेस जब पैसा कमाएगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग का आया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है ना, क्या आया है पहले? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमने जो कमाया बिजनेस कमाया, अब बिजनेस का प्रॉफिट हम लेकर के जो आए कि लीजिए हमने इतना कमाया ऑपरेशन करके, ठीक है, तो सबसे पहला इस पे क्लेम कौन करेगा? प्रियंका फिर आप बताइए, सबसे पहला क्लेम कौन करेगा? सर डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर, हाँ। दूसरी बात, एक चीज और मतलब बोला, भूल गए, अब यहां से समझ गए थे आप, डिवेंचर होल्डर को यानी डेट को हम लोग क्या पे करते हैं, उसको इनकम के रूप में क्या क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट देते हैं। प्रिफरेंस शेयर होल्डर को प्रियंका चौधरी आप बताइए क्या देते हैं? बैंक को इंटरेस्ट देते हैं सर। प्रिफरेंस शेयर होल्डर को क्या देते हैं? आकाश आप बताइए, कोई बताइए। प्रॉफिट, डिविडेंड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड दो तरह का होता है, दोनों को डिविडेंड देते हैं, उसको प्रीफेंस डिविडेंड देते हैं, इसको हम लोग प्रीफेंस, इसका जो डिविडेंड देते हैं कहलाता है प्रीफेंस डिविडेंड, ये कहलाता है प्रीफेंस डिविडेंड, और ये इसको जो देते हैं बोला इक्विटी डिविडेंड। लेकिन अगर हम खाली डिविडेंड का बात करेंगे तो कौन सा डिविडेंड होता है बाय डिफॉल्ट? अगर बखाली बोलते हैं डिविडेंड वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम इक्विटी डिविडेंड का बात कर रहे हैं, समझे? किसी को तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, हम किसको देंगे? पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हम इंटरेस्ट देंगे,
सेकेंड प्रायोरिटी हम प्रीफरेंस डिविडेंड को देंगे, थर्ड हम क्या देंगे इक्विटी डिविडेंड देंगे। एक्चुअली देते नहीं है, जो बचता है वो रख लेता है, नहीं लेता नहीं है, ये जो बचता है उसका हो गया। तो हम लोगों ने ईबीआईटी कमाया, सबसे पहले किसको क्या देंगे हम? इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट डिवेंचर को इंटरेस्ट देंगे। तो सबसे पहला ईबीआईटी में से क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट दे देंगे हम डिवेंचर होल्डर को। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। समझे आप? ईबीआईटी में से आई उड़ गया, इंटरेस्ट दे दिया ना, आप जो इनकम बचाओ क्या कहलाया, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ध्यान दीजिए, जो प्रीफरेंस डिविडेंड का मालिक होता है, मालिक तब तक पैसा नहीं लेगा जब तक वो टैक्स भरेगा, क्योंकि इसका वाइड इनकम होता है ना, जो मालिक जो पैसा लेता है वो टैक्स भरने के बाद लेता है। तो सर ठीक है, इसके बाद ये लेगा और ये लेगा, लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा, ईबीटी में से सबसे पहले हमको टैक्स भरना पड़ेगा, पहले हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो ईबीटी में से पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या माइनस कर देंगे हम, गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, बहुत लोग बोला सर ईबी, क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट नहीं, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब जो टैक्स दे देंगे तो इसको कहलाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या कहलाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसका वर्ड हम यूज करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम प्रीफरेंस डिविडेंड देंगे, तो अब अर्निंग आफ्टर टैक्स देने के बाद हम क्या देंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये जो वर्ड बचेगा, अब प्रीफरेंस डिविडेंड भी दे दिए, तो अब जो अर्निंग बचा है वो किसका बचा है, इक्विटी डिविडेंड का। इसका सबसे बड़ा नाम है, इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। समझे? इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग, बोलिए आप लोग, अर्निंग, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सही है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एक मिनट, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो होता है, ये बच गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर को देते नहीं है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ, इसमें से हम इसको कुछ नहीं देते हैं। इसमें से क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, उसको हम शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर होगा ना, जैसे यहाँ पे दो थे मम्मी पापा, अगर दादा दादी रहते तो चार हो जाते, नहीं? तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, मतलब एक मालिक को कितना मिला, अर्निंग पर शेयर। समझ में आया इसी कॉन्सेप्ट? फिर से ध्यान दीजिए, फाइनेंस तीन तरह का होता है, जैसे जैसे कि घर में हमारे तीन तरह पार्टी करते हैं, तीन लोग आते हैं, एक माँ पापा रहते हैं, दादा दादी इसमें आ जाएंगे। समझ पाए? जो बोले थे दादा दादी वो किसमें आएंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर में आएंगे, वो प्योर मालिक है ना घर के। और प्रीफरेंस शेयर होल्डर किसमें आते हैं, सास ससुर की तरह उनका नेचर होता है, अगर नहीं हुआ तो नहीं खाएंगे, लेकिन हुआ तो सबसे पहले उनको चाहिए। तो कुछ नेचर मालिक का है, कुछ नेचर डेट का है, और सबसे पहला हम देते हैं डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस डिविडेंड देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी डिविडेंड देते हैं। तो जैसे हमारा ईबीआईटी आया, तो पहले हम इंटरेस्ट देंगे तो बचेगा ईबीटी, फिर टैक्स देंगे तो बचेगा ईएटी, फिर हम इसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड देंगे तो आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फिर जो बचेगा उसको शेयर से डिवाइड करके ईपीएस, तो हमारा सीट कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे दिख रहा होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्या करेंगे इसमें से, क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। सही है, इंटरेस्ट जैसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या देंगे हम, प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं, टैक्स देंगे ना, सॉरी, हाँ, टैक्स देंगे, जो भी रेट से टैक्स रहेगा, उस टैक्स रेट गवर्नमेंट का जो रेट चलता रहता है उस रेट से हम टैक्स भर देंगे। ये जो बचेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम प्रीफरेंस डिविडेंड देंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड, ये
ये जो होता है इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर क्या करेंगे हम इसको यहाँ के बाद बताइए क्या करेंगे? अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। हाँ, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे और ये जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस। ठीक, इसके बाद लास्ट में एक सबसे खतरनाक लाइन और है, इसके आगे भी सीट जाता है एक लाइन और। जो अर्निंग पर शेयर है ना, तो किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू निकालते हैं ना, तो एक पी रेशियो होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये आपका अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बता के छोड़ देते हैं। एक होता है पी रेशियो कि आपके मार्केट का क्या कितना गुना कैपेसिटीज है, तो सपोज की जितना रहेगा इससे जब गुना करेंगे तो ये जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं एमपीएस। क्या बोलेंगे इसको? एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये चीज ध्यान दीजिए, जो अर्निंग इसको बाद में समझाएंगे। अर्निंग पर शेयर कहने का मतलब आपका अभी अर्निंग पर शेयर अगर 100 रुपए आया और आपका जो पी रेशियो है मतलब मार्केट का आपका कमाने का कैपेसिटी 10 गुना है, इसका मतलब मार्केट का प्राइस कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आप बेच सकते हैं शेयर को? 1000 बेच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी सीए गुरुकुल चल रहा है तो हमको लगता है लोग समझ जाएगा इसका जो मतलब एडमिशन होता है 200 एडमिशन होता है, नहीं तो 5 गुना 10 1,00,000 रुपया इसका इनकम बढ़ने वाला है। अभी नया बैच शुरू हुआ है, 10 बच्चा आया है, तो इसको लगता है 10 बच्चा आया है 10 गुना बढ़ने वाला है, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 से 1,00,000 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हर एक कंपनी का एक क्या होता है? कैपेसिटी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं ये चीज कॉन्सेप्ट? कैपेसिटी को बोला जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो, आपका कितना गुना आपका कैपेसिटीज है। तो सपोज कीजिए आपका एक शेयर में आप 100 रुपया कमा रहे हैं और आपका कैपेसिटी 10 गुना कमाने का है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितना है आपका? 1000 रुपया, उतना गुना है। अगर 20 रहता तो कितना हो जाता है ये? 2000। समझे? तो यहाँ पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एमपीएस। तो ये सीट समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए रफली, इसका नाम सबको क्लियर कर देते। टाइम कितना हो गया? टाइम थोड़ा बताइए कोई। 10:45 5-10 मिनट है अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम फुल फॉर्म लिख देते हैं। देखिए अब ईबीआईटी को ना यहाँ पे आप एक्चुअली अर्निंग बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं? अर्निंग। तो नोटिस कीजिएगा एक तरह से ये भी अर्निंग है, नहीं ऐसी वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो एक अर्निंग आया, नहीं आया फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किए तो आया ये भी अर्निंग है, इसको भी अर्निंग बोलते हैं। इंटरेस्ट माइनस किए तो ये भी अर्निंग हुआ, इसको माइनस किए टैक्स तो ये भी अर्निंग हुआ, इसको माइनस किए तो ये भी अर्निंग हुआ, इसको माइनस किए तो ये भी अर्निंग हुआ। देख रहे हैं तो कितना अर्निंग, कितना है? बहुत सारा अर्निंग है ना। तो कहने का मतलब इतना तरह का प्रॉफिट ही है, तो कब क्या प्रॉफिट लेंगे ये मायने करता है। ठीक है, तो अर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न भी बोलते हैं। जैसे ईबीआईटी है ना, तो अर्निंग को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। अर्निंग का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? प्रॉफिट, या इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न। अर्निंग भी बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोलते हैं और रिटर्न भी बोलते हैं, तीन चीज बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग ईबीआईटी को क्या बोल सकते हैं प्रज्ञा, बताइए तो? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसका ई फॉर अर्निंग। अर्निंग को हम लोग रिटर्न भी बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो हम ईबीआईटी को क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या बिल्कुल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड आरबीआईटी। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब जितना भी था सब जगह हम पी और आर लगा सकते हैं, लेकिन ये फेमस वर्ड है। लेकिन जो ई जो वर्ड है, अर्निंग जो वर्ड है, ये फेमस वर्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अर्निंग वर्ड ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फुल फॉर्म बता रहे हैं ईबीआईटी, क्योंकि भूल जाइएगा ईबीआईटी बराबर क्या बताए थे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए ईबीटी बराबर क्या बताए थे? अर्निंग बिफोर टैक्स, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईएएफएस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग
अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एनएस क्या था? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर ये था, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर। दिव्या आप नहीं बोल रहे हैं, ये एमपीएस क्या था? सॉरी ईपीएस छूट गया, ईपीएस क्या था? ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। लास्ट बताइए एमपीएस क्या था? क्या था? मार्केट प्राइस पर शेयर। सतीश आप सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो बोलते क्या नहीं आप लोग? मार्केट प्राइस। बैकग्राउंड में नॉइज है थोड़ा। अच्छा मार्केट प्राइस पर शेयर। एक्चुअली इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस और करेंगे, इसे थोड़ा और खूबसूरत तरीके से बताएंगे, समरी करेंगे और फिर इसको हम दो तीन तरीके से नजरिया बताएंगे, फिर फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे इसे बताएंगे। ज्यादा हो जाएगा आज तो। इसको हम ऐसा करते हैं ना, इसका जो नोट्स है ना हम आपको रात में भेज देंगे सारा, जितना भी लिखे है ना हम सब आप लोग को भेज देंगे, समझे? जो लिखे हैं सब भेज देंगे। ये स्क्रीन शॉट ले पाइएगा तो ले लीजिए, फटाक से दीजिए स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट लीजिए तो फटाफट। ले लिए? यस सर। किसी का नहीं होगा तो बोलिएगा। इसका लीजिए, ले लिए? यस सर। इसका? यस सर। इसका सबसे मेन यही है। हो गया सर। कल फिर से एक बार हम अच्छे से बताएंगे, अभी ज्यादा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। एक ये वो ज्यादा हो गया। हो गया? यस सर। चलिए तो कल इसको आप लोग रिवीजन करके आइएगा और कल हम फिर से इसको फाइनल करेंगे और फिर और भी बताना है इसमें, बाकी रह गया है थोड़ा सा, तो एक लेक्चर इसका हम और लेंगे तो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है? मतलब खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है?